अस्सलाम वालेकुम मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट नाजरीन सुप्रीम कोर्ट ने जब इंतखाबात 8 फरवरी को करवाने का हुक्म सुनाया तो साथ ही मीडिया को ताक़द की कि वो इंतखाबात में तख़ीर के हवाले से शकूक व शुभात पैदा करने से इजतनाब करें मीडिया तो नहीं लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली और मौलाना फजलर रहमान ने ऐसे बयाना दिए जिसकी वजह से इस तासुर ने जन्म लिया कि इंतखाबात एक दफ़ा फिर तखिर का शिकार हो सकते हैं बाद में हम हर वक्त जाने के लिए तैयार दो सूबे इस वक्त बदमनी के लपेट में तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतजामी मुहिम चलाई जा सके कलप्शन को माहौल तो दिया जाए ना हमें परम्न माहौल ठंड उसके अलावा होगी नाजरीन आपको याद होगा कि जब 2008 के इलेक्शन हुए तो मुल्क में क्या माहौल था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया था और हर तरफ दहशत गर्द हमलों की गूंज थी इस तरह 2013 के इलेक्शंस में गर्दों ने एन को बंदूक की नोक पर रखा हुआ था और वो अपनी कैंपेन तक नहीं चला सके थे हमने ऐसे बुरे वक्त देखे हैं तो अब क्यों कहा जा रहा है कि खैबर पखतूनख्वा में माहौल इंतबात के हवाले से साजगार नहीं है इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है गवर्नर खैबर पखतूनख्वा हाँ गुलाम अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले आपने जो ये बयान दिया जहाँ पे आपने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताएंगे जो जो थ्रेट्स हैं इदारे जो हैं वो बैठेंगे और वो बताएंगे इलेक्शन कमीशन को कि किस किस्म का माहौल है तो आप समझते हैं कि जो फरवरी में होने वाले इलेक्शंस हैं वो लकीर के ऊपर लिखा हुआ है कि जी होने फरवरी में तो फरवरी में ही होंगे या आप समझते हैं कि अगर इस तरह के हालात रहे तो मुश्किल हो जाएगा इलेक्शंस करना फरवरी में देखिए ये जो बयान पहले मैंने दिया था इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में अलेक्शन ना हो हम यह समझते हैं कि अलेक्शन होने चाहिए और अलेक्शन ही मुल्क के मौजूदा मुश्किल चाहे माशी हो सियासी हो ये इसका इलाज है लेकिन हमने ये कहा था कि देखिए अलेक्शन के लिए मैं पहले भी कह चुका था और uh, मैंने रिटर्न भी इलेक्शन कमीशन को जब एज ए गवर्नर अख्तियार था मैंने क्या आप प्राविन्शल गवर्नमेंट और इदारों से पूछे आज भी आ, हम ये कहते हैं कि इलेक्शन हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल अटल फैसला किया है कि इलेक्शन होंगे लेकिन इलेक्शन कराने के लिए वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतें रियासत के इदारे इनको मिल बैठ कर आ, जो भी उनको रिपोर्ट्स उनके सामने हैं उसके सदेबाब के लिए उनको इकदाम करने चाहिए ऐसे ना हो खुदा ना खास्ता के कोई जय वोट डालने के लिए और अल्लाह ना करे आ, उसकी लाश आए तो बेस्त गवर्नर बेस्त वजीर अला वो बेसियत वजी अजम और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनकी पूरी बॉडी ये सारे रिस्पांसिबल है कि इस चीज़ को रोके और इलेक्शन के लिए एक पुरान फिज़ा, साजगार माहौल पैदा करे तो अगर ये बात हमने की है तो आ, ये तो मैं आज भी कहूँगा के लिए भी कहूँगा बाजार के अमन वमान की बहाली के लिए भी कहूँगा तो ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है ठीक है गवर्नर साहब ताकि लोगों, आ, लोगों को समझ में आ जाए आपकी बात साफ़ हो जाए आप ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शंस होने चाहिए मगर तमाम इदारों को और खैबर पखतनख्वा बल्कि सारी सूबाई हुकूमतों को और वफाक की हुकूमत को इकट्ठे बैठ के ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इलेक्शन हैं उसके अंदर फ़ा ख़राब ना हो और वहाँ पर अमन वमान रहे मैं सही समझी हूँ आ, बिल्कुल देखिए अब अभी आप देख ले मतलब वजीरिस्तान में क्या हालत है यानी आज नहीं दो महीने पहले से आप देख ले फिर आए नीचे अब डी खान में हालत क्या है बनू लकी मरवत में क्या है कुरम एजेंसी में क्या है बाजावड़ देख लो तो हम कहते हैं ये निशानदही बेसियत एक आइनी ज़िम्मेदार के सूबे के मैं फ़र्ज समझता हूँ कि मैं ये हुकूमत के नोटस में लाऊं और उकुमत जो है वो वफाकी हुमत अलेक्शन कमीशन और इनसे बात करे देखिए इलेक्शन ज़रूरी है इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इलेक्शन हो अगर माहौल ख़राब हो जाए या खुदा न खास्ता कम्पेन जब शुरू हो जाए और कुछ इस तरह के हालात पैदा हो तो फिर उस वक्त हम क्या करेंगे तो नहीं तो आप क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि मतलब, पहले माहौल माहौल जो है उसके ऊपर बात की जाए नहीं पहले से इंतजाम करें आप आज से बैठे जो रिपोर्टें आती है जिस तरह है ताकि एक दूसरे को सूबे भी बाखबर हो पुलिस भी बाखबर हो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें इतने फौजों फौज की ज़रूरत होगी फिर तरीकाकार यानी एक दूसरे से लाजमी सब कुछ शेयर करना चाहिए अगर जिस तरह के वजीर दाखिला साहब चूँकि उसको सब रिपोर्टें आएंगी उन्होंने जिस तरह कहा कि खतरा है और सियासी लोगों के लिए हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ये रियासत परमन हो और आइनी रिस्पांसिबिलिटी जिसकी है वो भी पूरी करे आइन की जो रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शन होंगे अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन होंगे तो कौन कहेगा कि इलेक्शन ना हो लेकिन ये तो हम ज़रूर कहेंगे कि अमन अमान की हाल को बेहतर बनाना है जिसकी रिस्पांसिबिलिटी है उनको अभी से इस पर काम करना चाहिए और ये नहीं कि लोग मरते रहें और हम कहेंगे कि इलेक्शन हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा आपने ये आपने दिलचस्प बात की मेरे दो सवाल आपसे कि आपने कहा कि लोग मरते रहे और हम कहें कि नहीं इलेक्शन हो जाएगा आपको याद होगा 2018, 2008 का इलेक्शन उससे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा का कत्ल हो गया था फिर आपको याद होगा 2013 का इलेक्शन वहाँ पे ए जो है उसकी जमात को टारगेट किया गया उनके बेशतर ऐसे लीडर हैं जिनको आप जानते हैं आप तो पिशावर शहर में रहते हैं आ, बिलोर्स को आप जानते होंगे बिलोर फैमिली को जानते होंगे उनको मारा गया फिर आपको याद होगा दो का इलेक्शन उसके अंदर भी जो तोपों का रुख था वो एन के ऊपर था तो आ, तब और अब में क्या फ़र्क है क्या फ़र्क आया है ख़बर पख्तनख्वा में हमेशा से दहशतगर्दी रही है और उसके बावजूद इलेक्शन होते रहे हैं बल्कि दो हज़ार आठ में तो गूंज थी एक, हर जगह दहशत गर्दी की पूरे मुल्क में देखो मैं एक ज़िम्मेदार की से एक का काइनी सरबरा होने की हैसियत से ये कह रहा हूँ कि ये दलील जो है ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं कि 2008 में लोग मरे हैं 2013 में मरे हैं और 2018 में मरे हैं तो खैर मरते जाए मेरी राय ये है कि अभी दो महीने हैं हमें इसके लिए सही मनसूबा बंदी करनी चाहिए हमें सोचना चाहिए हम जितने भी यानी हुकूमत का इदारों का रियासत का ये रिस्पांसिबिलिटी है कि जितने भी अपने आवाम को अमन दे सके पुरमन माहौल मुहैया कर सके उसके लिए काम करें ठीक है वो बात तो सभी कहेंगे ये मेरा ख्याल है सभी ऐसे मनसब पे बैठे हैं या पाकिस्तान का कोई भी शहर जो पे नहीं भी बैठा हुआ वो भी चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन वमान हो इस वक्त जब आप खदशा जाहिर करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसके नतीजे में आप ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे सियासी जमातों को और सियासी जो लीडर्स हैं उनको ख़तरा है मेरे पास रिपोर्ट को छोड़ो सामने हैं बाज़वड़ में धमाका हुआ कितने लोग मर गए कल पिशावर में दो दिन पहले पिशावर में तीन आदमियों को दिन दाड़े कर दिया जे यू आई के कारकुनों को बाजावड़ में बीस से ज्यादा चंद दिनों में जे यू आई के कारकुनों को शहीद किया गया आप लकी मरवत में देखें आप टांग में देखें ये नहीं। आप आप, बिल्कुल दुरुस्त करें चवन आपके जो कारकुन है वो बाजौर के अंदर अपनी जान की बाजी हार गए अगर दो महीने के बाद यही हालात रहते हैं उसके तो बाद कि... भी से से ज्यादा ज्यादा मर गए जी से ज्यादा शहीद हो गए जी जी तो वो मैं उस पर आऊंगी मगर सवाल सवाल इस... ये है कि अगर दो महीने के बाद भी यही हालात रहते हैं तो क्या आप चाहेंगे कि इलेक्शन आठ फरवरी को हो ओ, देखिए वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है आपकी राय तो थोड़ी जाएगी राय जब मुझसे पूछेंगे हर रोज़ के आलात के मुताबिक जो राय होगी मैं अपनी राय अपने कौम अपने मुल्क रियासत और इसके इदारों के जो हमारे एहलकार हैं उसके तहफ़ के लिए मैं दूंगा अब देखो पुल, पिशावर में हमारे सौ से ज़्यादा पुलिस कि शहीद हो गए यानी एक ही ब्लास्ट में ठीक म, म, सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि जी सूबाई हुकूमतों को वफाक की हकूमत को इंटीरियर मिनिस्टर को और तमाम जो इदारे हैं उनको इकट्ठे बैठ के इसका जायजा लेना चाहिए तो आप उनको क्या तजवीज देंगे कि क्या हालात किस तरीके से हालात काबू किए जाएं कि इलेक्शंस हो जाएं पूरे मुल्क में 8 फरवरी को क्या तजवीज़ देंगे अमान होगा सूरतयाल बेहतर होगी आ, आ, इदारे भी इस मुल्क के हैं इस रियासत के हैं हुकूमत भी इस रियासत की है मैं भी रियासत का गवर्नर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी रियासत की है ये सब रियासत केम के लिए अमन चाहेंगे लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना अगर हम अब इस तरह बैठ जाए खुदा ना खास्ता चंद दिनों बाद खुदा ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कुछ इस तरह फिजा किधर भी पैदा हो जाए चाहे के पी में हो चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो चाहे बलूचिस्तान में हो हम एक वजूद हैं हमारे दाखिला से इस हवाले से आपकी बात हुई है और उनसे आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है नहीं स्टेटमेंट पढ़ी है और स्टेटमेंट से मुझे और जो स्टेटमेंट दिए कि ख़तरे सबको है लेकिन मौलाना को ज़रा ज़्यादा ख़तरा है तो इस पर वो काम करें ना जिस तरह कि आप सूबा हुकूमत की भी बात करें तो जो दीगर पार्टीज़ हैं खबर पख्तूनख्वा के अंदर वो तनकीद करती है और बोलती हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं कि दहशत गर्दी के हमले जो हैं वो बड़े हैं मगर और ता, तालिबान की आमदोरफ़ भी वो कहते हैं कि ज़्यादा हो चुकी है इस सूबे के अंदर और वो ये कहते हैं कि जो आ, आप हैं गवर्नर जो हैं उनका एक नरम रवैया है तालिबान के हवाले से क्या यह दुरुस्त है नहीं मेरा मेरा इसके साथ काम ही नहीं है आप चूंकि पहले गवर्नर के साथ मर्ज एरिया का इख्तियार था अब तरमीम के बाद तमाम एरिया एक सुबह बन गए और सूबे के चीफ मिनिस्टर और गवर्नमेंट उसके दुरुस्त अगर आपकी अपनी राय तमाम इलाके आपकी अपनी एक राय होगी तो, हो तो मैं तो दे देता हूँ जब मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मैं वजी से शेयर करता हूँ आपने जब कहा कि जी आ, मेरी सुबाई हुकूमतों को मैं सारी तजवीज़ दे देता हूँ या उनसे मेरी बात होती है तो ज़ाहिर है आपने जब यह स्टेटमेंट दी होगी तो आपने शायद प्रोविशल गवर्नमेंट से या सुबाई हुकूमतों से बात करके दी होगी उनकी क्या राय इसके ऊपर कि जो अमन वमान की सूरत हाल है और क्या और वो जेब देती है कि इलेक्शन हो जाए आठ फरवरी को हमारी राय का ये मकसद नहीं है कि आप हमारी ये राय कि आप इलेक्शन की बात करिए हमारी राय अगर अमन वमान जहाँ ख़राब हो या जहाँ जिस चीज़ की भी जरूरत हो तो वजीर अला साहब के अपने भी सोर्स हैं पूरी हुकूमत है मिनिस्टर हैं सेकटरी साहबान हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम भी जब मिलते हैं तो हम भी उनको कहते हैं कि फलानी जगह ये ये इशू है तो इशू को हम उनके नोटिस में लाते हैं अब फिर वो आपस में हुकूमत की जो पॉलिसी उस पर वो उस के तहत इकदाम करेंगे ठीक हमारे साथ ही रहिएगा गवर्नर साहब छोटा सा वक्फा शामिल करते वक्फे के बाद हाजिर होते हैं वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपने हमें ज्वाइन किया फिर से आपको वेलकम कहते हैं अब सवाल ये है कि आपने बाजौड़ का जिक्र किया जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर भी जो है एक अटैक हुआ आपके कम अज़ कम चवन लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए शहीद हो गए सवाल ये उठता है कि वो कौन सा ऐसा ग्रो है जो मौलाना फजल रहमान के लिए ख़तरा बन के उभरा है उस वक्त तो आईसिस ने इस हमले की जो है जिम्मेदारी कबूल कर ली थी क्या आईसिस से ही खतरा है दाइश से ही खतरा है देखिए ऐसी बातें तो या जमात को या जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको इनकी इन्फॉर्मेशन होगी मगर चूंकि आपके सूबे में वाक़ हुआ था तो वो आपको आपके साथ इन्फॉमेशन तो शेयर करते हैं नहीं असल में जो लोग इस वाक्य हो जाता है और जो इस तरह के बयान दे देते थे तो उसमें अक्सर हकीकत होती भी है और हकीकत नहीं भी होती तो रिस्पांसिबिलिटी देखो इलेक्शन के बारे में या एलेक्शन अगर ना भी हो तो हमारा यही सोच होगा कि हमारे मुल्क में हमारे सूबे में हमारे शहर में अमन हो और हुकूमत का मकसद ही ये होता है कि वो अपने शहरी को अपने पुलिस को अपने फौजी बाई को अपने आवाम को रियासती इदारों को रियासत के प्रॉपर्टी को तहफुज देगा कोशिश करेगा बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी हद हाँ तक बिल्कुल हाँ अब और इसमें आवाम भी साथ देंगे क्योंकि ये रियासत ये इदारे ये पुलिस ये फौज ये आवाम, ये सब हमारी है तो नहीं अली तो साहब मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही थी कि ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनको ख़तरा किस तरफ से है एन पी तो बहुत एक तरीके से खुलम खुला ये बताती है कि जी हमें तहरीक तालिबान से ख़तरा रहा है फिर माजी में आ, उनकी आ, एक तरीके से उनको टारगेट भी किया गया इस वक्त आपकी पार्टी को कौन से ग्रोह से ख़तरा है देखिए तारीख़ तालिबान भी आप देख लेना मुख्तलफ ग्रुप हैं तो मैं यही कहता हूँ कि जो हमारे रियासती इदारे हैं ना ज़्यादातर मालूम उनको होंगी उनकी बात जो है वो बिल्कुल सही होगी और दुरुस्त होगी चूँकि आप गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप किस पॉलिसी की हमायत करेंगे क्या मुफामत की पॉलिसी होनी चाहिए जो जनरल फैज़ की थी कि जी तालिबान के साथ मुफामत होनी चाहिए या कि आप अब आज जो पॉलिसी है कि जी मुफामत नहीं होनी चाहिए हमें दो टोक जो है जवाब देना चाहिए तालिबान का किस पॉलिसी की हिमायत करेंगे आप देखिए मेरे मेरे मुखालफत अहमियत की बात नहीं है रियासत रियासत और रियाती इदारों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया कि ये अच्छी पॉलिसी नहीं थी मैं रियासत का नुमाइंदा हूँ और रियासत का ज़िम्मेदार हूँ जब तमाम स्टेक होल्डर बैठ चुके थे तो रियासत के तमाम नुमाइंदों ने कहा कि इस पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है ठीक तो आप भी चूँकि रियासत के नुमाइंदे तो आप भी इसकी मुखालफत करेंगे और आप समझते कि मुफामत की पॉलिसी तालिबान के साथ दुरुस्त नहीं थी ये क्योंकि अब जी अभी जो अमन तो, की सूरत हाल बनी है शायद इसी वजह से बनी है? नहीं मैं देखे मुफाहमत से अमन बहाल करने के लिए बातचीत से कोई भी सियासी हुकूमत इनकारी नहीं हो सकता न सियासी बंदा लेकिन मुफाहमत और अमन के लिए मददाद जो है ना उसको देखना होगा परखना होगा और वो इतफाक राय से हो अगर प्राविस में हो तो प्राविस हुतबाई हुकूमत, हुकूमत को इतमाद में लेना चाहिए अगर वफाक में है उस वक़्त चूंकि कौमी इसम्बली भी मौजूद थी सूबाई इसम्बली में मौजूद थी तो कौमी इसम्बली को इतमाद में लेना चाहिए था अगर नहीं लिया तो को में लेना चाहिए तो पहले लिया गया तो था जब जनरल तो क्या कौमी को और सुभाई को में लिया गया था आपकी क्या इतला नहीं लिया गया था और उसका खामियाजा आपको लगता है कि अब आपको भुगतना पड़ रहा है ये मुश्किल अभी हुई जितने भी आप सियासी लोगों के तमाम तकारीर जो देख ले तो यही कहते हैं कि ये उसी का खामियाजा है अच्छा यह आपने अहम बात की है कि जो भी एक पॉलिसी अपनाई गई थी मुफाहमत की जो जनरल फैज ने अपनाई थी जिसके नतीजे के अंदर कुछ तालिबान मिलिटेंट्स को भी छोड़ दिया गया था रिहा कर दिया गया था एक अंडर हैंड डील थी उसके नतीजे के अंदर जो है अमन वमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई और अभी ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि अब जो जितने भी सियासी लोग हैं उनको उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ़ा लेते वक्फे के बाद हाजिर होते हैं वेलकम बैक नाज्रीन इस वक्त हमारे साथ हैं गवर्नर ख़ैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब हाजी गुलाम अली साहब अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर तमाम पार्टीज़ हम पहले भी कह चुके और आपसे पूछ चुके कि वो कह रही हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा अभी हमने हाल ही में देखा कि मंजूर पश्तीन साहब को अरेस्ट कर लिया गया बलोचिस्तान में अरेस्ट किया गया उनको मगर ये बताया जा रहा था कि उनको डेरा इसमाइल ख़ान के पुलिस स्टेशन के अंदर जो है उनको वहाँ पर लाया जाएगा आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो कहाँ इस वक़्त के डेरा इसमाइल खान के जो पुलिस ऑफिसर हैं खुबाब खान वो कहते हैं कि उनको तो पुलिस स्टेशन लाया नहीं गया आ, मुझे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में देखो ही चीजें ऐसी ना, आ, आप चूंकि माशाल्लाह आप, आपका चैनल पूरी कौम को और पूरी के आंखें और कान है बाद चीज़ें ऐसी हैं ना कि रियासत या रियासती इदारे जो एक्शन करती है तो अगर हम एकदम इस तरह कह दें और मुझे बताए उसको बताएं तो उसमें कुछ उनका कुछ उनको मुश्किल होंगी उसको कुछ तरीका कार होगा इधर आईन है कानून है अदालत है आ, ये चीज़ें तो हमने भी भुगती ये चीजें तो देखो इमरान खान साहब ने तो अगर उसकी हुकूमत की पौने चार साल की तारीख देख ले तो न सिर्फ इसम्बली जेल में थी नहीं दुरुस्त मगर मैं तो आपसे बुलाता बड़ा बड़ा था कत्ता कलामी माफ मैं तो आज सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी चूकी आप गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा के और ये आपकी ही जूरिस्टिक्शन है कि डेरा वजी को देखो मैंने आपको कहा कि ये वजी अला को ये इंफॉर्मेशन सब चीजें वजीर अल साहब के होती है ठीक आ, अगर आप आईन जी जी आए, मगर मगर चुके तो चले ये, इस, इसको अगर छोड़ दे मगर इसलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है क्योंकि जाहिर है इलेक्शंस होने हैं इलेक्शंस में तमाम सियासी जमाते जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी चाहती हैं उसके अंदर पीटीआई भी शामिल होना चाहिए यहाँ पे पीटीआई का ये आपसे आप पर तंकीद नहीं कर रहे एन ने खुल के तंकीद की है एम वली साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में तो गवर्नर राज भी नाफिज हुआ हुआ है फिर उन्होंने ये कहा कि एक तरफ से जो है आप एक रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज़ में माली बौरान है दूसरी तरफ से आप ख़ुद ही जो है तैनातियाँ करें अपने अजीजों की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिसके अंदर वो यूनिवर्सिटी के हवाले से भी बात करते हैं देखिए आपका चैनल जो है ना ये मुल्क का एक अहम चैनल है शुक्रिया और आपके माशाल्लाह काफ़ी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ये कोई यूट्यूब का चैनल नहीं है कि मेरे अजीज व करबा बढ़ते हुए हैं यूनिवर्सिटियों में पाबंदियां हैं मैंने ख़ुद पाबंदी लगाई उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमें लेक्चरार की ज़रूरत है जब हमने पाबंदी उठाई तो इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी उन्होंने 2021 से एडवरटाइजमेंट की है कब 2021 हज़ार इक... आप इस तरफ क्यों नहीं आते यानी हम तनकदी नज़र से देखेंगे कि एक यूनिवर्सिटी में अगर सात हज़ार बच्चे पढ़ते हैं और उसके लिए फैकल्टी मम्बरान कम है और उन्होंने दो हजार इक्कीस में जब इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है दो हजार बाईस में एडवर्टाइजमेंट दी है और प्रोसेस इतना लेंथी है कि जब हम आए तो हमने कहा कि पाबंदी जब उन्होंने हमें बताया कि भाई ये तो एडवर्टाइजमेंट हुए सब ने बैंकों में पैसे जमा कराए हैं यही लोग इंटरव्यू के लिए आएंगे तो हमने क्या ठीक है आप ये लोग भर्ती करें आप और तब बल्ती करें कि आपके जेब में पैसे और तनख्वाह हुकूमत नहीं दे सकेगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी नहीं गवर्नर साहब मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि उनकी तनकीद किस पे चूँकि आपने कहा कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुफ्ती अब्दुल रउफ़ के जो है बेटे जो है मुफ्ती अब्दुलरऊफ़ शाकिर के जो बेटे हैं जो तहसील नाजिम चरसदा रह चुके हैं उनके बेटे को भी आपने जो है पोस्टिंग लगाई चरसदा के अंदर आउट ऑफ टर्न ये दुरुस्त है मुझे पता भी नहीं है अच्छा आप इसको अगर उस करें। उसको बोलो किस किस ग्रेड में भर्ती हुआ है कब उसने एप्लीकेशन दी है आपकी तवज्जो तो एक और इशू के के पर भी गवर्नर साहब लाना चाहती हूँ और वो ये है कि जो अफ़ग़ानिस्तान के मामल हैं खास तौर पर जो अफ़गान शहरीों को मुल्क से बेदखल किया जा रहा है उस हवाले से आपकी राय हम चाहेंगे क्या आप समझते हैं कि इससे एक दहशत गर्दी कम हो जाएगी और दूसरा ये है कि क्या ये एक सही पॉलिसी थी आप नहीं समझते कि इसके अंदर तलखियाँ बढ़ जाएंगी अफ़गानिस्तान के साथ देखिए एक आ, मेरी राय है आपकी राय है एक रियासत का फैसला है जी। अब आप मुझे बताएं कि आप रियासत के फैसले को मानेंगे या अपनी राय क्यों नहीं चूंकि आप एक रियासत ने फैसला आपके किया बिल्कुल है। साथ उनकी सरहद लगती देख... है और आप खुद भी आपकी एक लंबी मुझे पता है, है। जी। तो हमने कहा कि हमने 40 साल उनकी खिदमत की है और अगर रियासत ने फैसला किया है तो उसको एक बावकार तरीके से इज़्ज़त और एहतराम से अच्छे तरीके से उनको तमाम सहूलियात देकर रियासत के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए अब एक अगर एक ज़िले में कोई फ़ैसला हो जाए तो हम राय दे सकते हैं एक सूबे में फ़ैसला हो जाए तो कोई दूसरा राय दे सकता है। एक रियासत का फ़ैसला है रियासत का फैसला सबको मानना पड़ेगा गवर्नर साहब कुछ फैसले रियासत करती है कुछ फैसले आपके ही सूबे में जिरगे भी कर लेते हैं जिस तरह के कोहिस्तान में हमने देखा हाल ही में एक जिरगा था और उन्होंने ये फैसला किया कि एक लड़की की जो तस्वीर है जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई बाद में ये भी ख़बरें आईं कि वो तस्वीर जो थी वो फेक थी सही नहीं थी उसको उस नतीजे में उसको कत्ल कर दिया गया आप गवर्नर हैं उस सूबे के आप इसकी मजम्मत करेंगे बहुत सख्त देखिए कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि आप कानून आत में लेकर किसी को कत्ल करो इसके लिए अदालतें हैं कानून है आन है पुलिस है हम हर उस इकदाम की शदीद मजम्मत करते हैं जो कानून से बालातर होकर ख़ुद आत्मे कानून लेकर फैसले करे जी एक उम्मीद की जा रही थी गवर्नर साहब के जब आ, फाटा का मर्जर हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इस तरह के जो जिरगे हैं वो कम हो जाएंगे पुलिस जो है उसकी रसाई ज़्यादा हो जाएगी अदालतों तक लोगों की रसाई ज़्यादा हो जाएगी आपका क्या मौक़ है फाटा मर्जर के ऊपर क्या आप समझते हैं कि वो जो एक पूरा सिस्टम है वो सही तरीके से हुआ आप इसकी मुखालफत करते हैं या आप इसके साथ हैं आप समझते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और फाटा को जो है बाकी खबर पख्तनख्वा के अंदर मिलाने की अच्छे तरीके से ज़रूरत है देखिए फाटक का मर्जर जो है ना ये बहुत एक लेंथी बहस है बिल्कुल लेकिन मैं इसको क्लोज करके खुलासा बयान करता हूँ कि जब ये मर्जर हुआ तो ये भी मतलब हमारे रियासत ने रियासती कानून ने आयीन ने आन के तहत ये हुआ लेकिन उनके साथ एक वादा किया गया था कि हम आपको सौ अरब रुपये सालाना देंगे और इसको हम खैबर पुख्तनख्वा के बराबर लाएंगे उनके एजुकेशन सिस्टम को हेल्थ केयर सिस्टम को इन्फ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स वगैरह अब आप देख लें लोग इसलिए उधर खुश थे कि चलो सूबे में भी पीटीआई की हुकूमत थी जी मरकज में भी पीटीआई की हुकूमत थी तो ये लोग खुश थे कि चलो हमें ये सौ अरब रुपए मिलते रहेंगे जी आ, आप जैसे इदारे अगर उस पर वक्तन पर वक्तन ये प्रोग्राम करते कि उस हुकूमत ने कितने पैसे दिए नहीं ये तो सबको सब मालूम है कि पैसे नहीं मिले मगर अब चूंकि कुछ रिवर्स किया जाए इस पर आपकी राय बहुत जरूरी है चूंकि अगर वो रिवर्स होता है तो फिर मामला जो है वो डगर पे चले जाएंगे आपकी अपनी राय देखो न मेरी राय से ये रिवर्स होता है और न उनकी क्योंकि पार्लियामेंट ने तरमीम की थी जी और पार्लियामेंट में ये लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे लॉबिंग करेंगे पार्लियामेंट में आके अपने मुश्किल बयान करेंगे और फिर इस तरह तरमीम होगी तरमीम होते रहते हैं मगर आप कह रहे हैं कि उसका सही रास्ता इख्तियार करें पार्लियामेंट ही उसका सही रास्ता है यह आपका कहना है दूसरा रास्ता तो है नहीं अगर दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो रियासत उसके खिलाफ इकदाम करेंगे और हम अपने आवाम को आइन के खिलाफ वर्जी और आइन की पामाली की तरह दावत नहीं देंगे मेरे पास तकरीबन हज़ारों कबायल आए हैं मैंने उन्हें यही बात की कि हम आपके वकील हैं आपकी बात वफाकी हुकूमत को पहुंचाएंगे शहबाज शरीफ सब जब आए थे तो उनको भी ये बात की थी अभी हमारे वजीरम साहब आए उनको भी ये बात की थी कि फाटक के लिए आप फंड दे दें ताकि उन नौजवानों का जो सोच था उनके जो जज्बात थे जो एहसास थे वो उनको मिल सके और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल ख़ास कर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह अगर हंड्रेड परसेंट नहीं ट्वेंटी परसेंट तो होना चाहिए जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा हमारी यही दुआ होगी कि पाकिस्तान के हर शहरी को उसके बुनियादी हकूक़ मिले बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पखतूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब आपने हमें ये इंटरव्यू दिया और ये अहम इंटरव्यू था हम गुफ्तू कर रहे थे उनसे और वो ये बता रहे थे गवर्नर खैबर पखतूनख्वा के वो चाहते हैं कि खैबर पखतूनख्वा बलोचिस्तान के अंदर जिक्योरिटी सचुएशन है उसकी सूबाई हकूमत और वफाकी हकूमत और जो इदारे हैं वो उसका जायज़ा लें और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर लाशें उठती रहें और इलेक्शन हो जाएं मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़